बिहार सरकार प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट अच्छा कर रहा है। अभी 2-3 साल में जब से डीजी सर आए तब से बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है बिहार सरकार। अच्छा, मतलब प्लेयर्स में डीजी सर का लग रहा है कि डीजी सर काम कर रहे हाँ हैं। डीजी सर बहुत काम कर रहे हैं। जब से मतलब डीजी सर बिहार में उनका हुआ है तब से वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पेरेंट्स का तो शुरू से अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन यही गली में या फिर रोड पे किसी को बताता तो वो लोग तो मजाक उड़ाता था, क्या है तलवारबाजी ऐसे करके कुछ भी बोलता था। तो मतलब उस सब से थोड़ा डिमोटिवेट होता था, लेकिन पेरेंट्स तो अभी कभी ऐसा कभी नहीं बोला मेरे को। उन लोगों का अच्छा सपोर्ट था, उन लोगों ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया, कभी पीछे नहीं। और मेरा एम तो है नेशनल चैम्पियन बनने का और भारत में भारत को मेडल दिलाने का इंटरनेशनल लेवल पे। आपने बोला आप बिहार से बाहर प्रैक्टिस करते हैं, क्या बिहार में फेंसिंग के लिए स्कोप नहीं है? बिहार में फेंसिंग के लिए स्कोप मतलब ठीक है, उतना मतलब उतना बिगनर्स के लिए नहीं ठीक है, लेकिन है। अगर हम लोग को नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन बनना है तो फिर बिहार से बाहर जाके ही करना पड़ेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, जहां पर एक तरफ आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पटना के ज्ञान भवन में, आप पहले मेरे पीछे देख सकते हैं, राज्य खेल सम्मान 2024 में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ तुषार है, आपको बता दें कि इनको अभी सबसे पहले कितने की प्रोत्साहन राशि मिली है? मुझे अभी 1.5 लाख रुपए का राशि मिला है अवार्ड की तरफ जी, से। क्या गेम खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं आप? मैं फेंसिंग खेलता हूँ, तलवारबाजी। तलवारबाजी। बिहार में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है फेंसिंग क्या होता है, आपको ये आइडिया कैसे आया? मेरे को भी आइडिया नहीं था, मेरी मम्मी ने मेरे को एक दिन लेके गई थी और मेरा एडमिशन करवा दिया। तो उस जी समय तो थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन कुछ साल करने के बाद मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया फेंसिंग में, तब से कर अभी रहा तक हूँ। आपने कौन कौन से गेम जीते हैं? नेशनल्स खेला और मैं इंटरनेशनल 3 बार पार्टिसिपेट किया मैंने, जी, कॉमनवेल्थ खेला है और वर्ल्ड कप भी खेला है। वर्ल्ड कप भी खेला। बिहार सरकार आप लोग जैसे प्लेयर्स को आगे बढ़ा रही है, कैसा लग रहा है? बिहार सरकार प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट अच्छा कर रहा है, अभी 2-3 साल में जब से डीजी सर आए तब से बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है बिहार सरकार। अच्छा मतलब प्लेयर्स में डीजी सर का लग रहा है कि डीजी सर काम कर रहे हाँ हैं। डीजी सर बहुत काम कर रहा है, जब से मतलब डीजी सर बिहार में उनका हुआ है तब से वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बिहार स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब शुरुआती दौर था ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तलवारबाजी क्या होती है, किस तरीके से, मतलब पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा आपका? पेरेंट्स का तो शुरू से अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन यही गली में या फिर रोड पे किसी को बताता तो वो लोग तो मजाक उड़ाता था, क्या है तलवारबाजी ऐसे करके कुछ भी बोलता था। तो मतलब उस सब से थोड़ा डिमोटिवेट होता था, लेकिन पेरेंट्स तो अभी कभी ऐसा कभी नहीं बोला मेरे को। उन लोगों का अच्छा सपोर्ट था, उन लोगों ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया, कभी पीछे नहीं गया। तो क्या तलवारबाजी के साथ स्टडीज कर रहे हैं आप? हाँ स्टडीज़ कर रहा हूँ मैं, सेकेंड ईयर में हूँ बीबीए का। जी, अभी आगे के प्लान्स क्या है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? अभी तो मेरा एम है मतलब अच्छा प्लेयर बनने का, भारत को इंटरनेशनल मेडल दिलाने का एम है मेरा। और मतलब अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाहर में ही, मतलब आउट ऑफ बिहार प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एम तो है नेशनल चैंपियन बनने का और भारत में भारत को मेडल दिलाने का इंटरनेशनल लेवल पे। आपने बोला आप बिहार से बाहर प्रैक्टिस करते हैं, क्या बिहार में फेंसिंग के लिए स्कोप नहीं है? बिहार में फेंसिंग के लिए स्कोप मतलब ठीक है, उतना मतलब उतना बिगनर्स के लिए नहीं ठीक है, है। लेकिन अगर हम लोग को नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन बनना है तो फिर बिहार से बाहर जाके ही करना पड़ेगा। आप कहाँ पे तैयारी करते हैं? मैं अभी गुजरात में कर रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही हरियाणा में शिफ्ट हुआ। जी, तो आप चाहेंगे कि बिहार वाले को भी ये मौका मिले कि वो भी फेंसिंग करे, और बिहार सरकार आप लोग जैसे खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बनाए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें? हाँ बिहार सरकार अभी हम लोग के लिए फेंसिंग के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा है, अभी हम लोग का भी फेंसिंग हॉल अभी बनाया गया है, मोइनुलहक स्टेडियम में भी प्रैक्टिस होता है, कोई भी अगर बिहार का बच्चा चाहे तो वहाँ पे जाके एडमिशन करवा सकता है। चलिए, बहुत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम लोग को जो मेडल लाता है उन लोग को नौकरी भी दे रहे हैं। इस साल अगर फॉर्म निकलेगा तो, अगर सीनियर नेशनल में अभी पिछले साल मेरा मेडल आया था तो अभी फॉर्म निकलेगा तो मेरे को भी हो जाएगा जॉब। 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है सीधे तौर पे तलवारबाजियों में, फेंचिंग में, जहां बिहार में कम स्कोप है, लेकिन ऐसे बच्चे बिहार का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। अगर बिहार सरकार इनके लिए और काम करेगी तो ये और आगे जाएंगे। इंटरनेशनल प्लेयर थे आप, बने रहिए हमारे।